गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आई होप यू ऑल आर फाइन. सो आज है 30 अगस्त और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:20 हो रहे हैं. सो आज का व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज है राखी, रक्षाबंधन, और मैं इतनी सुबह सुबह इसलिए उठ गई हूँ और अपने लिए चाय बना रही हूँ फिलहाल, चाय मतलब ग्रीन टी, क्योंकि मेरा है इवेंट. तो मेरे 2 दिन से इवेंट चल रहा है, एक्चुअली आज 3रा दिन है इवेंट का और मेरे को 7:30 बजे तक पहुंचना है दिल्ली. तो इसीलिए मैं उठ रही हूँ इतनी जल्दी और अभी तक तो कोई भी नहीं उठा है. मैं जल्दी से अपने लिए चाय बना के, मतलब एक ग्रीन टी बना के जाऊँगी नहाने. किसी को मैंने उठाया भी नहीं है. मम्मी खैर अपने आप ही उठ जाएगी, उनको पता रहता है मुझे जाना तो वो अपने आप उठ जाती हैं. ओके भाई, मैंने चाय छोड़ दी है, बहुत शॉकिंग है मेरे लिए. तो भाई मैंने चाय छोड़ दी है बिल्कुल. तो ये पी के अब मैं आपसे मिलूंगी नहाने के बाद. बाय बाय. 5:30 बज गए और मैं नहा धो के तैयार हूँ. मेरा सांस इसलिए फूल रहा है, मैं जल्दी जल्दी मंदिर होकर आई हूँ क्योंकि सावन चल रहा है. और अभी मैं अपने लिए शेक बना रही हूँ, उसके बाद मैं करूँगी कैब मेट्रो स्टेशन तक के लिए, उसके बाद मेट्रो से सीधा दिल्ली. मतलब बीच में चेंज करनी पड़ती है मुझे मंडी हाउस से. तो यस, अभी है मेरे पास 1/2 घंटा, लेकिन कैब भी ना कभी कभी मुझे ड्रामे करती है आने में, तो थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी. शेक बनाने के बाद मिलते हैं. अब मम्मी भी उठ गई, मैंने अपने से खुद ही बना लिया, मैंने कैब भी कर दी, 7 मिनट में आ रही है. 5 मिनट में कैब आ रही है. कैंसिल हो जा रही थी, इतनी मुश्किल से हुई है अभी, और मैं 10 मिनट लेट हूँ. भाई मेरा गला भी खराब है, बुखार भी हो रहा है. सो लेट्स गो. यहाँ पे लाइट अच्छी है, नेचुरल लाइट. वहाँ पे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या रेज निकल रही कहाँ से. कहाँ है भैया? अभी तक भैया आए भी नहीं है, मैं नीचे आ गई. फाइनली मेट्रो स्टेशन पहुँच गई मैं, बस मेट्रो आ गया जल्दी से, उसके बाद मंडी हाउस से चेंज करनी है एंड देन खान मार्केट. कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना मेट्रो पे लेट, मतलब मैं जल्दी होके भी लेट. सो मुझे मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे गुपीत सर मिल गए. हेलो. और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने वेन्यू पे, 7:30 तक पहुंचना है. 7:20 हो रहे हैं. 7:20 हो रहे हैं, पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा काम करना है. सो लेट्स गो. एवरीथिंग इज सेट, सब कुछ रेडी है. कुशाल एंड गुरप्रीत सर. यस, सो ए ब्रीफ एज ही सेड ऑन ओसीडी फॉर अ कॉलर अब आई थिंक द ऑफिस फ्रॉम 53% टू कम डाउन टू 54%. सो दैट द मेन कंडीशन इज दैट दे आर नॉट कमिंग एट. अभी 4:10 हो रहे और मैं निकल गई हूँ क्योंकि आज राखी है, तो मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना था और कल मुझे 8 बजे पहुँचना है, तो कल थोड़ा लेट भी जाना है. सो अभी चलते हैं घर, मैं सीधा घर मिलती हूँ. या फिर कोई मुझे लेने आएगा केशव वगैरह. तो फिर अदरवाइज कैब से लेट्स ही देखते हैं. सो चलो बाय बाय. और अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है. सो यस, मैं पहुंच गई हूँ, नीचे कैब मेरा वेट कर रही है और हम जाएंगे इसके बाद, मतलब मैं जाऊँ उसके बाद घर. और बू आ गई है एक मेरी, शायद मम्मी मौसी पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, चली गई होंगी मामा जी के यहाँ पे पता नहीं. सो केशव का फ़ोन आया कि बू आ गई है, पर मैंने पूछा नहीं मम्मी मौसी का क्या सीन है, कौन कौन गया है, सब घर पे है या नहीं.
So, चलो मैं घर पहुंच गई हूं और मुझे पता चला है घर पे कोई भी नहीं है, सब चले गए, सिर्फ बड़ी बू आई हुई है, सब चले गए। भाई कितने बुरे है, मैं क्या करूँगी अकेले, बड़ी बुआ के साथ यहाँ पे क्या करूँगी मैं अकेले, पता नहीं कब तक आएंगे। अरे यार इतनी थक गई हूँ, चलो कोई नहीं थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय। सब चले गए उसके कैश पे, सिर्फ हम लोग ही हैं यहाँ पे बुआ के साथ। क्या हो गया, क्यों परेशान है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। हम दोनों परेशान हैं, क्या कह रहे आप, मैं तो जल्दी आई थी इसीलिए काम हमने शाम तक आ दिया। हाँ जी हाँ जी, बस क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया, बस इतना बोरिंग रक्षाबंधन है। 8:30 बज रहे हैं और अभी तक मतलब मम्मी वगैरह में से कोई नहीं आया है, लेकिन गीता बू आ गई तो हिमांशु और चिंकी दोनों आ गई। हेलो चिंकी। हेलो गाइस। हेलो गाइस, क्या हाल है चिंकी, मैं तो ऐसी बैठी हूँ पुराने कपड़ों में, ऐसे रक्षाबंधन लग भी नहीं। सच में समझ नहीं आ रहा है, राज कैसी रक्षाबंधन है पता नहीं। हाँ हिमांशु, हेलो, कौन सा रक्षाबंधन बनता है, हेलो हेलो, बता रहे हैं। मैं आज ऑफिस से, मेरा ना इवेंट था तो मैं आई कि मैंने कहा 4 बजे निकल जाऊंगी, टाइम से जाऊंगी, मैं घर आई कोई भी नहीं, बैठी हुई दिन खाना बनाएगी, मैंने खाना बनाऊ फिर मैंने चाय बना दी सबके लिए। आजकल तुम मान जा भाई, पूरी पप्पी लेने पागल, तू वहां का बैठे हमारे ब्लॉग में आई है आप। केशव आया, कब चला गया पता नहीं चला, मैं ऐसे बैठी, मैंने कहा मेरे भाई रक्षा करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मेट्रो स्टेशन तक लेने आते नहीं, मेरे भाई रक्षा करेंगे ये राखी पे, आता ही नहीं है जाता ही नहीं, छोड़ने में जो कैब करनी पड़ती है ये रक्षा करेंगे, हम अपनी खुद करेंगे भाई, हम एक दूसरे को राखी बांधेंगे चिंकी, बहन की रक्षा करेंगे, मेट्रो मेट्रो स्टेशन से लेने भी नहीं आते। मैं ग्राउंड गया था प्लीज, हमेशा तेरे यही बांध रहता है, मैं क्या कहता 61 तक आ जा दीदी, ये दीदी वो, इसने मुझे बोला कि दीदी मैं सुबह ग्राउंड जाऊंगा, मैं सुबह नहीं करूंगा, मैं मेट्रो से चली गई, कहता मैं सुबह सोता रह गया, मैं शाम को जाऊंगा, ये रक्षा करेंगे बहनों की, इनसे नहीं आया जाता मेट्रो स्टेशन तक, अब आया है सुबह से, हट रक्षा के लिए, मैं करूँ तेरी रक्षा, थार लेके घूम रहा है, मैं चलाऊँ तेरे थर्दे मुझे गधड़ा, अगर तुम गाड़ी की निकाल दो बेकर घर से बाहर, चल तू दे चल जो कहो, क्या ये कह रहा है इसकी गाड़ी में क्या करूं केशव, बैग गिर बैग करके बाहर बैग करके निकाल दूं और जो कहूं वो देगा तू, इससे पहले पर तुम वो करना पड़ेगा इंश्योरेंस, क्या किसी के इंश्योरेंस करना पड़ेगा आपका अपना, क्यों तुम ऐसी हो ना मुझे पता है, तेरी गाड़ी ना मैं कहाँ से कहाँ ले जाऊंगी, तू पीछे बस तू करने की बात कर रहा है, जिस कार की भी 4 होगी ना स्टार रेटिंग वो गाड़ी भी थर थर कांपेगी, फिर गणवेदी का हाथ मारते ना ऐसे, तू का तू मेरी साइड है, हम एक एस्पर मैं कह रहा हूँ गाड़ी डरेगी, सोचो हैवी ड्राइवर क्या यार, कोई रक्षाबंधन लग रही है ये, 9 बजे को रक्षाबंधन लग रही है, ए लड़के लड़के ब्लॉग नहीं ब्लॉग रात में जाके बुला लो चाचा, बुला लो इसको, बुला लो। तो गाइस 10:05 हो रहे हैं, फाइनली ये लोग आ चुके हैं, लगी नहीं आज रक्षाबंधन है, बेबी डार्लिंग मैं सोने दी यही तो हम मिस कर रहे थे, यही तो हम मिस कर रहे थे, थैंक यू, ये तेरे पैसे, थैंक यू, ये मेरा बिना कुछ करे कुछ करे, मतलब राखी दी है, ये नाना की तरफ से, हाय कल है।
कल करना। नहीं मैं तो भाई मैं तो आज इतने जल्दी आई कि आज राखी है, तुम लोग कल करोगे। मैं कल सुबह सुबह जाऊंगी तो मुड़ जाओगे सुबह सुबह। बंदवा मैं यार एक बात बता खुशी, मैं आज हाफ डे लेकर आई हूँ, मैं कल सुबह सुबह निकल जाऊंगी। मैं भी सुबह सुबह निकल जाऊंगी, जा रही है 7 बजे और मैं रात को आऊंगी। सूट देखो हाँ अब लग रहा है ऐसा लग रहा है मेरी ही तो कमी थी इस घर में, मेरे बिना क्या ही होगा। थोड़ी देर में मिलते हैं सेटल होने के बाद। क्या मतलब क्या दिखा रहे हो, चॉकलेट पहली बार देख रहे हो? कौन सा खाओगे पहले? कुकी का रहा है थोड़ा, राखी का माहौल। मैं दिखा दूं मिठाइयों का कलेक्शन गाइस। ये नाइस वेरी नाइस। और ये है उधर भी है, बस बस। हेलो ये दूसरी बार यहाँ पे खाना चल रहा है, दूसरी बार सोने दो मुझे सुबह उठ के जाना जल्दी, कोई सुन नहीं रहा है, मुझे सुबह जाना है, मेरा इवेंट है। क्या करे भाई क्या करे, मिठवा मार है बढ़िया। ये क्या लैंग्वेज है कुणाल शर्मा? प्यारी लैंग्वेज है। तो फिलहाल मैं ये ब्लॉग यही बैन कर रही हूँ क्योंकि मेरे को सुबह जल्दी उठ के जाना है और कल मुझे हाफ डे भी नहीं मिलेगा और आज जल्दी जाने कोई फायदा भी नहीं कि राखी आज नहीं कल बनाएंगे। और मैं जा रही हूँ सोने, पहले रूम खाली करूँगी अपना और इस सबके यहाँ से भगाऊंगी, फिर सोऊंगी शांति में। मेरे को सुबह सुबह भागना है फिर से, ठीक है? सो गुड नाइट गाइज, मिलते हैं कल सुबह। मैंने ब्लॉग बनाया तो बहुत अच्छा ब्लॉग बना है, मैंने अपनी दिनचर्या दिखाई है आज की दिनचर्या। हाँ सुबह से, ठीक है बाय बाय, सुबह मिलेंगे सुबह, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 31 अगस्त, लास्ट डे ऑफ दिस मंथ और अभी तक मैंने राखी बांधी नहीं है और अभी 6:08 हो रहे हैं और ये लोग कोई उठ के भी नहीं आया। मैं चले जाऊँगी फिर बोलेंगे कि राखी नहीं बांधी, चली गई, अच्छा हो रहा था, अभी तक कोई उठ के नहीं आया। और इनके चक्कर में मैं लेट हो रही हूँ, अगर उठ के नहीं आए ये लोग 5 मिनट में तो फिर मैं कैब करके निकल जाऊँगी क्योंकि भी मेरा मुझे पूरा दिन वहाँ पे फिर रहना है और फिर मैं इनको रात को ही राखी बांधूंगी। लेट्स सी इसे भाई आपके ढीले निकाल देना। ना है तो भाई ये है नहीं, बस राखी बंधवा रही हूँ कि अच्छा मुहूर्त है। चलो गाना गाओ भाई, लाइट दे दो मेरे को, दे दो फूलों का था ये गुड। ओ मैं तो राखी में देखी सब कृष्ण है ले, एक हजारों में मेरी बहना है और ये सब गलत कह रहा है, सारी उम्र साथ में आए कहाँ रह रहे तुझे फिर तुम चली जाओगी ना मेरे इधर उधर छत्र छाया में कहाँ जाएगा, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा पता है ना ब्रश नहीं करा अभी मैं सबको पता जरूरी है इतने ब्रश नहीं करा क्या बता दे आजा बहुत लगे सबको तेरे तो ब्रश करने लगी। ओ ये जय परशुराम छोटे भैया छोटे भैया उठा ला, मैं लेट हो गई बहुत ज्यादा। हाँ उठाओ तो कैसा तू पैर तो छू लो बदतमीज हो, आओ शाबाश कोई बात नहीं तू है ना, मैं लेट हो रही हूँ।
ये घूमने कर रहे जल्दी वो कर लो फिर डाउनलोड हो जाए हो तो क्या बस और क्या चलो भाई आओ हाथ के बाद में तो करने का तो बात वो राम राम ले ले थोड़ा सा पानी ये बात में वो पानी ना जरा जरा थोड़ा सा मुंह में तो नहीं है तो कर ले अभी सामने का जी कर ले फ्लावर मान ड्रॉप कर ले ओके गाइस तो मेरी कैब आ गई है नीचे मैं जा रही हूँ और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ बन गया रक्षाबंधन आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल